प्रभु ये क्या केवट और मटके में? देवी आपको स्मरण है सरयू नदी पार करवाने के बाद मैंने केवट को पारिश्रमिक के रूप में एक मुद्रिका दी थी। हाँ प्रभु, और आपके उस परम भक्त केवट ने पारिश्रमिक लेने से मना कर दिया। प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपका दास हूं, भला मैं आपसे पारिश्रमिक कैसे ले सकता हूं? केवट किसी भी संबंध से बढ़कर होता है श्रम का मूल्य, इसलिए तुम्हें अपने परिश्रम का मूल्य लेना ही होगा। प्रभु यदि आप इस अधम पर कृपा करना ही चाहते हैं तो जैसे मैं आपको घाट पार लाया हूं ठीक उसी तरह जब मैं आपके घाट आऊं तब आप भी मुझे पार लगाइएगा, यही मेरे लिए पारिश्रमिक मूल्य होगा। अवश्य। प्रभु तो क्या मृत्यु के पश्चात केवट का हृदय परिवर्तित हो गया? क्या आपके प्रति उसकी भक्ति समाप्त हो गई जो आज उसकी ये दशा है? हमने उस मटकी फोड़ का पता लगा लिया है जिसने आप सबकी मटकियां फोड़ी हैं। कौन है वो मटकी तोड़, तनिक हमें भी तो बताओ। कान्हा ने ही आप सबकी मटकियां फोड़ी हैं। इस अस्त्र से। ये बात हमें नंदरानी को बतानी होगी। इसने चढ़ी ने वही किया जिसका मुझे डर था। इससे पहले ये बात मैया तक पहुँचे मुझे मैया तक पहुँचना होगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा लल्ला तुम्हारे लाड़ प्यार में इतना बिगड़ जाएगा। तुम लोगों की मेरे लल्ला के साथ ऐसी क्या शत्रुता है कि जब देखो तब उस पे झूठे आरोप लगाती रहती हो? अरे तुम तो क्या, यदि पूरा संसार भी आके मुझसे ये कहेगा ना तब भी यशोदा ये बात नहीं मानेगी। गोपियाँ झूठ नहीं बोल रही, गोपियाँ सत्य बोल रही है कि पूरे गोकुल की मटकियाँ कान्हा ने ही तोड़ी है। अब दीपावली के पूरे पर्व तक तू यहाँ ऐसे ही बंधा रहेगा और ना तुझे भोजन मिलेगा और ना जल। अब चाहे मुझे अभिशप्त जीवन ही क्यों ना जीना पड़े, मैं अपना भक्त धर्म निभाकर ही रहूंगा।